नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसएससी ट्रिक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। नीचे यहाँ पर आपको ब्लैक रेड कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर आप बस क्लिक कर देना। आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। क्या है आपको, ये जो रेड कलर का दिख रहा है 469, इसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा 470। बस इतना ही आपको करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 51, हम लोग हैं पार्ट 17 पे। अगर पिछला भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेक करके सारे इसके पिछले पार्ट्स देख लेना। आ जाते हैं 51। ही मेट मी 5 days एगो, बट ही नेवर टोल्ड मी अबाउट हिज फादर्स डेथ। यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है। ये सारे प्रीवियस ईयर के जनरली क्वेश्चन से हैं या फिर मैं डिफरेंट बुक से लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एरर है, नेवर नहीं होगा। तो नेवर नहीं होगा तो होगा क्या इसके बदले, मैं बता देता हूँ पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। डिड नॉट टेल, ठीक है। क्यों होगा डिड नॉट टेल, नेवर क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेवर ये बार बार रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है। कितने दिन पहले मिला, 5 दिन पहले, एक बार मिला, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस हम लोग यूज़ करेंगे। नेवर हम लोग जनरली रिपीट जब कोई प्रोसेस होता है तो उसके लिए करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या, डिड नॉट टोल्ड नहीं आप लिखोगे सिंपल पास्ट। अगर डिड यूज हो गया तो उसके साथ यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। डिड नॉट टोल्ड हम लोग जनरली कभी कभी लिख देते हैं, या एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसे क्वेश्चन से दिए हुए होते हैं। नंबर 52, दिस रूम इज टू मच स्मॉल फॉर 6 persons, नो एरर। क्या है आप, एरर क्या है, कौन से पार्ट में है, इस पार्ट में है। टू मच स्मॉल ग्रामर में यूज हम लोग नहीं करते हैं, टू मच स्मॉल कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो क्या यूज करते हैं, मच, टू, स्मॉल। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, या फिर एक दो क्वेश्चन आपको डिफरेंट एग्जाम्स के भी मिल सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस पेन इज एज बैड इफ नॉट वर्स देन दैट। ये आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ही लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। एज बैड, एज बैड, एज होगा तब जाकर ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। एज साथ साथ आएगा। 54, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो जनरली हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। देयर आर 570 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। 570, यहीं पे मिस्टेक है, आप सोच कर बताओ। ओके, 500, यहां पर आपको कुछ फिल करना है और 70, बताओ क्या हो सकता है यहां पर। यस, एंड होगा, ठीक है। आप हमेशा याद रखना 100 जब यूज कर रहे हो उसके बाद सिर्फ नंबर यूज कर रहे हो तो बीच में एंड लगाओगे। 55, राम एंड श्याम्स बुक्स आर वर्थ प्रेजिंग। ये बुक्स किसके हैं, सिर्फ श्याम के हैं या राम के भी हैं, आपको अब धीरे धीरे हिंट मिल रहा होगा। ये बुक दोनों के हैं, किसने लिखा है बुक्स, ये दोनों मिलकर के, तो राम्स एंड श्याम्स बुक्स, ठीक है। या उसका दूसरा तरीका ये है यूज करने का कि आप कर सकते हो, जनरली कहा जाता है ग्रामर में कि सेम सेंटेंस में दो एपोस्ट्रॉफी हम लोग नहीं देते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, द बुक्स ऑफ राम, द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम आ वर्थ प्रेजिंग। ओके, तो आप अगर सिर्फ एरर में है तो ऐसे आप एरर को बता दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम, ठीक है। क्योंकि जनरली कहा जाता है कि एक ही सेंटेंस में दो एपोस्ट्रॉफी, यहाँ पर देख रहे हो, एक एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर, एक एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर, जनरली यूज नहीं किया जा सकता है। तो जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं आज, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एक बार अगर कोई काम हो रहा है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। यहाँ पर मच टू स्मॉल करेक्ट वर्ड होता है, फ्रेज होता है।
आ जाते हैं यहाँ पर, एज बैड एज के साथ हमेशा एज यूज करेंगे, 570 एंड यहाँ पर या तो राम्स लिखो या तो द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम आर वर्थ प्रेजिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे, बाय बाय।